हेलो व्यूवर्स, पाकिस्तान क्रिकेट टीम से अहम खबर यह है कि शाहिद अफरीदी ने हारिस रऊफ को तलब कर लिया है। जी नाजरीन, हारिस रऊफ को न्यूजीलैंड के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए इंटरिम सिलेक्शन कमेटी ने उनको तलब कर लिया है और उनकी जो इंजरी है उनका मेडिकल असेसमेंट होगा और उसके बाद उनकी जो फिटनेस है उसका टेस्ट लिया जाएगा और फिर फैसला किया जाएगा कि जो कि आइंदा हफ्ते से 3 वनडे मैचेस की सीरीज है पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के खिलाफ, उस हवाले से हारिस फिट हैं या नहीं है, उनको टीम में शामिल किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के काफी मेन बॉलर्स जिसमें हारिस रऊफ हैं, शाहिन अफरीदी हैं, नसीम शाह हैं, ये तमाम इंजरी का शिकार हैं। तो इंजरीज की वजह से काफी ज्यादा सख्त परेशानी है। पाकिस्तान टीम का मेन बॉलिंग अटैक है ये और ये तमाम जो खिलाड़ी हैं वो जख्मी हैं और दस्तयाब नहीं हैं। और लेकिन इस हवाले से शाहिद अफरीदी ने कहा है कि हारिस रऊफ को बुलाया जाए और उनकी जो है वो असेसमेंट की जाए, उनकी मेडिकल असेसमेंट की जाए और उनको जो राइट आर्म फास्ट बॉलर हैं वो कितने फिट हैं और जो कि आइंदा हफ्ते से सीरीज़ शुरू होनी है वनडे सीरीज़, उसके लिए दस्तयाब हैं या वो खेल सकते हैं या नहीं खेल सकते हैं, इसका फ़ैसला बाद में होगा और हम आपको इस हवाले से भी मज़ीद अपडेट देंगे। लेकिन एक अच्छी खबर साथ ये भी है कि शाहिन अफरीदी का जो रीहैब प्रोग्राम है वो शुरू हो चुका है। पीसीबी मेडिकल पैनल ने शाहिन अफरीदी को कराची तलब किया, वहाँ पे उनकी जो है उन्होंने बॉलिंग शुरू कर दी है और उनकी जो इंजरीज है उसमें जो बेहतरी आ रही है और इस हवाले से शाहिन अफरीदी ने वहाँ पे जो पाकिस्तान टीम का मेडिकल स्टाफ है उनकी निगरानी में बॉलिंग भी शुरू कर दी है। तो बज़ाहिर लगता है कि शाहिन अफरीदी की जो फिटनेस है, जो इंजरी है वो बेहतरी हो रही है और इसके साथ हारिस रऊफ है उनका टेस्ट लिया जाएगा और उसके बाद फैसला होगा। तो पाकिस्तान टीम के ये दोनों बॉलर के बारे में आप क्या कहेंगे, शाहिन और हारिस रऊफ? हमेशा से पाकिस्तान के इसी तरह ही जो है वो कोई ना कोई पेयर रहा है फास्ट बॉलिंग में, वसीम अकरम, वकार यूनुस हो और इसी तरह ही अब हारिस रऊफ और शाहिन अफरीदी, इनकी दोस्ती बहुत अच्छी है। तो आप क्या कहेंगे इन दोनों की बॉलिंग के बारे में और इनका पाकिस्तान टीम में होना कितना ज़रूरी है, पाकिस्तान टीम को कितना ये फ़ायदा देते हैं, पाकिस्तान टीम की जीत में कितना अपना रोल प्ले करते हैं? तो अगर ये दोनों प्लेयर वापस आ जाते हैं इस साल जो पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप खेलना है और एशिया कप खेलना है तो उसमें ये कितने कारआमद होंगे और इनका कितना ज़रूरी है, और आइंदा सीरीज़ में भी अगर PSL भी आ रही है तो लाहौर कलंदर्स के दोनों प्लेयर हैं तो उसके लाहौर कलंदर्स में जो है वो कितना जो है वो इम्पोर्टेंट है, आप कितना पसंद करते हैं? तो अपनी राय दीजिएगा, अपने हमारे कमेंट सेशन में बताइएगा कि दोनों कैसे बॉलर हैं और इनकी वापसी के लिए आप कितना इंतज़ार कर रहे हैं।